स्टार्ट करो अपनी कुकिंग क्लास। अरे ये तो बहुत इजी है और इसे सब बनाते होंगे। नहीं मुझे नहीं लगता सब बनाते होंगे, बहुत कम लोग बनाते होंगे, और अगर बनाते हैं लोग तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मतलब जो उत्तराखंड से बाहर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो नहीं बनाते होंगे, उत्तराखंड वाले तो बनाते होंगे। हाँ, क्योंकि ये मैंने भी शादी से पहले मैंने कभी नहीं खा रखा था ये। मेरी दीदी और भी नहीं जानते इसको, इसे क्या कहते हैं। जो मेरी बड़ी दीदी है वो नहीं जानती इसे क्या कहते हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ खाया वो कह रही क्या है ये, फोस फोस क्या कह रहे हैं, फोस फोस। नाम तक नहीं पता था मुझे, खुद नहीं पता था, तो मैंने कभी खाया ही नहीं था। मतलब आपने बचपन में कभी नहीं खाई घर पे? तो मैं यही सीखी हूँ जेठानी लोगों से, सास जी से। सिंपल सा ही आता है मुझे बस। वो सबको पता है सिंपल ही आता है, बनाना स्टार्ट करो। तो देखो जैसे मैं बोल रहा था, इनका जो लुक होता है वो लौकी की तरह ही होता है। मतलब जब ये कट के रेडी हो जाते हैं तो ये लौकी की तरह ही लगते हैं। देखो सरसों का तेल डाल रखा मैंने और ये मेरा तड़का है मिक्स। तड़का मिक्स मतलब जख्या है, लैया है, पीली सरसों उसे लैया कहते हैं हम, और ये प्याज डाल रही हूँ मैं। और ये मम्मी की चॉपिंग मशीन है, इसमें सब मिक्स हो जाता है। पापा आ गए लगता है। ये देखो ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है। अगर ये मशीन किसी को लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ मैं, वो ले सकता है वहाँ से। जब मेरी दीदी ने सुना था ना ये, तो कह रही अरे इसका नाम तो बड़ा इंग्लिश नाम है, इंग्लिश टाइप का। कह रही देसी नाम लगता है, ये इंग्लिश टाइप का लगता है इसका नाम। लाल मिर्च, ये धनिया, ये हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। नमक, गरम मसाला खत्म हो गया। अब जो टमाटर और प्याज हमने इसमें चॉप करी थी उसमें हल्का फुल्का लेफ्ट ओवर था, तो उसमें पानी डाल के अब इसमें डाल देना है। एक भी दाना वेस्टेज नहीं करनी, कुछ भी एक भी दाना। सारी सब्जियों में पानी डालते हो क्या? नहीं, ये किसी किसी में डलती है और इसमें अच्छी लगती है। पाड़ी मोला और इसमें ही डलता है ये, बाकी किसी में किसी में डाला आपने? ना, हम पकौड़ी बनाते हैं उड़द की पकौड़ी में डालते हैं, कोई से भी पकौड़ी बनाओ उसमें डालते हैं। और अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, ये नहीं मिल रही है, तो वैसे बना के लास्ट में दही डाल दो, दूध डाल दो, मलाई डाल दो, छाछ डाल दो। तो अगर किसी ने पहाड़ी मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन मारा होगा, उसमें पूरा ये प्रोसेस था कि कैसे इसको छानना है, कैसे पानी निकालना है, तो लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा। तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं आई बटन में ऊपर। ये देखो गिलोय का जूस बनाया जा रहा है। काढ़ा है ये, काढ़ा पहली बार देख रहा हूँ। इसकी तुलसी, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, अश्वगंधा के पत्ते, दालचीनी। बट मैंने सुना कि ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, फिर पिंपल विंपल हो जाते हैं। मैं कितना देती हूँ आपको? थोड़ा थोड़ा देती हूँ ना। मैंने सब्जी डाल दिया यार, हमने क्या करता है यार। और ये यहाँ पे देखो भांग का पेस्ट ऐसा हो गया है, उसको पानी पानी है, तीन चार बार छानना है ऐसे। काढ़ा पिए। सर बताओ तो मतलब बिल्कुल नाली के पानी जैसे खुशबू आ रही है। इतना अच्छा हो रहा है। नहीं बॉडी के लिए भले कितना अच्छा हो बट स्मेल तो बिल्कुल वैसी है। तो ये देखो यहाँ पे ये ऐसे छानना पड़ता है, ऐसे इतना धीरे धीरे छान रहा है। ये देखो हमारी मिक्सी पूरा बाहर आ गया। अच्छा मम्मी ये सब्जी में ये भांग का पानी डालेगा या ये जो लेफ्ट ओवर है ये डालेगा? अरे ये जूस डालेगा, इसका ही जो बाहर का होता है वो तो बहुत कड़े कड़े होते हैं, वो तो मुंह पे लगते हैं, तो उसके अंदर का जो बीज होता है ना उसका जूस डालता है। तो मतलब ये जूस डालेगा भैया? तो मतलब सब्जी बन चुकी है? बनने वाली है बस, तो बहुत जल्दी पकती है ये। जब पक जाएगी बस इसे डाल दो, थोड़ी देर चलाओ फिर बंद कर दो। भांग से ना ज्यादा स्वाद आता है इसलिए बनाती हूँ मैं, डालती हूँ। हम नॉर्मली बना सकते हो, फिर नॉर्मल तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे लौकी जैसी लगेगी। तो दिखा देते हैं इधर, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे लौकी बन रही है। क्या चेक कर रहे हो भैया? अरे ये देख रही हूँ कि पक गए, थोड़ा सा जैसे पक गए ना ये, अब इसको डाल दूंगी, थोड़ा और पक जाएंगे बस, फिर बन गई सब्जी प्यारी सी। तो मतलब अब रेडी हो चुकी है सब्जी? नहीं अभी नहीं हुई। तो अब क्या है? अभी आज कच्ची थी ना, थोड़ा पक गई थी, अब थोड़ा इसे डाला, अब इसे और ढक्कन लगा के अब इसका पानी भी कम हो जाएगा और ये पक जाएगी। अब थोड़ी देर बस इसे गैस पर रखना है ना, बाकी हो गया काम है ना। तो कितने देर आप गैस पर रखना है इसे? कम से कम 5 मिनट रखूंगी, फिर देखूंगी कितनी पकी है और कैसे हो गई,
नहीं पकी होगी तो दोबारा रख ढक दूंगी। पकने पर डिपेंड है कि वो अगर पक गया है तो तब तक ऑन रखो गैस, वरना ऑफ कर दो गैस। तो चलो फिर, अभी तो मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया है सारा का सारा, ज्यादा कुछ डिफरेंट प्रोसेस नहीं था। नॉर्मल जैसे सब्जी होती है वही था, बट बहुत कम लोग बनाते हैं सब्जी को, इसलिए मेरा मोटिव था कि आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे बनाते हैं इसको। और इसके बाद अभी मैं, मम्मी और पापा खाएंगे और फिर आपको बताएंगे, और शायद पापा कुछ वो बताएं, मतलब हिस्ट्री टाइप बताएं कुछ, या फिर बचपन की कुछ कहानी बताएं, तो देखते हैं। मैं इसलिए बनाने के लिए कह रही हूं क्योंकि वाकई में मैंने कभी नहीं खाई थी, मैंने शादी के बाद गाँव में ही खाई। मेरे को इसलिए था कि आप लोगों को दिखाऊं ये, क्योंकि अभी जो मेरा वो लैंसडाउन का ट्रैक वाला व्लॉग था, उसमें मेरे को रास्ते में एक स्कोस की बेल दिखी थी, तो उसमें जो मेरा कजन है चिराग, उसकी मम्मी कह रही थी मेरे को, उन्होंने भी आज तक अभी स्कोस की बेल नहीं देखी थी, वो फर्स्ट टाइम देख रही थी अपनी लाइफ में स्कोस की बेल। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा यार, मतलब देखा नहीं किसी ने बेल, तो हमने नहीं देख रखी थी ना। हाँ तो वही, मतलब तो इसका मतलब जब इन लोगों ने देखी है तो फिर मोस्ट ऑफ द पीपल ने नहीं देखी होगी। तो चलो अब हो गया, बहुत बातें, अब डायरेक्ट डिनर पे मिलते हैं। तो 8 बज चुके हैं और हमारी स्कोस की सब्जी भी रेडी हो चुकी है एकदम, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और खाने में उससे भी अच्छी लगेगी। तो कुछ बताओगे इस सब्जी के बारे में? स्कोस की सब्जी है, मतलब गांव के बारे में बताओ कि कितनी बनती थी, आपको कैसी लगती थी बचपन में? उस समय तो बहुत बनती थी, खाने की भी इच्छा नहीं होती थी पहले, पहले बहुत ज्यादा होती थी, तो पहले खाने की इच्छा कहाँ होती थी, रोज यही बनते थे, यहाँ तक कि गाड़ भी देते थे जमीन में भी। क्या क्या? इनको गाड़ भी देते हैं, जैसे बहुत सारे हो गए ना, तो जैसे बाद में खानी है तो मैं कुछ महीनों बाद, तो इसे जमीन में गाड़ दो मिट्टी के अंदर, उससे तो क्या होगा, खराब नहीं होती? खराब नहीं होते ना, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। गाड़ते हैं कोई भी सब्जी, जैसे मूला जिसका ज्यादा हो गया वो गाड़ देते हैं जमीन में, स्कोस भी ऐसी, जैसे लौकी हो गई, लौकी नहीं कद्दू, अरे बाकी नहीं, अच्छा मतलब कुछ चुनिंदा ही सब्जी है, ये तो कुछ कुछ ही है। तो जब तोरी बनती है घर पे और मैं बोलता हूँ तोरी बार बार की बना रहे, तब क्यों बोलता हूँ तोरी बनेगी है? तोरी के कहाँ बनती है ज्यादा? तभी भैया हफ्ते में दो तीन बार तो बनी जाती है, कहीं नहीं बनती दो तीन बार, स्कोस बनाओ दो तीन बार हफ्ते में मैं तो खाऊंगा। ये अगर तेरे को खिलाने लगे तो कुछ दिन बाद बोलेगा कि भाई मैं नहीं कर रहा। लोगों के मुँह में पानी आएगा ना फिर, देख कैसा बहुत बढ़िया, बचपन की याद आ गई, दादी भी ऐसी बनाती थी, बचपन की ऐसी याद थोड़ी कैसी। अब कल मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी कॉमेडी पोस्ट डाला था जिसे मैंने बोला था कि 5 लोगों के नाम पापा बताएंगे, कल शाम 5 बजे का टाइम दे रखा था मैंने, अब कल देखते हैं कि पापा आप किन 5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। चलो फिर बाय बाय, खाना खा लो आप लोग। तो आज डे 2, अब वो टाइम आ चुका है जब पापा 5 नाम लेंगे जिन्होंने सबसे यूनिक आंसर दिए हैं। करेक्ट आंसर तो बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, करेक्ट आंसर तो लगभग 150 से ऊपर ही दिए हैं, 5-7 लोगों ने गलत लिखा हुआ, वो भी जबरदस्ती लिखा है, ये अटेंशन लेने के लिए, लिंगड़े भी लिख रहा है कोई, बोल रहा आलू के गुटके, आलू के गुटके तो चलो ठीक है, नहीं आलू के गुटके पहाड़ी सब्जी थोड़ी है, हाँ वो तो नहीं है ना, पर जैसे लिंगड़े लिख रहा, और नहीं एक ने मटर पनीर लिख रहा, कुछ भी कुछ भी, अंडा गोस्वामी वाला है, कुछ भी बोले, इतने लोग हैं जिसको हमने देखा है कि भाई इतनों ने सही आंसर दिए हैं। ये ब्लॉग बनाने से एक फायदा तो हुआ है कि अलग अलग नाम पे पता चल गया हमें, जैसे इंग्लिश का नाम पे पता चल गया चयोटे, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, हम जब गाँव जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे चयोटे की सब्जी बनाओ, बने चयोटे क्यों चयोटे। तो आप लोग अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को ये वाली वीडियो शेयर करो जिससे उनको भी सारे नाम पता चल रहे हैं कि क्या क्या बोलते हैं चयोटे पता चल सके। तो पहला कमेंट जब आपने सेलेक्ट किया है वो बताएंगे, वो फैमिली मेंबर है हमारा विजय, फैमिली मेंबर है, यूट्यूब फैमिली मेंबर, अच्छा बाप रे मुझे लगा यार, वो है विजय बड़ोला जी और इन्होंने लिखा है, गढ़वाली में लिखने की कोशिश की है, बोला यूची इस गोसा का भुज्जी और एक सजेशन से किसी दिन चून का आटा की रोटी और चटनी का गढ़वाली नाश्ता का मॉर्निंग ब्लॉग विद सीनियर असवाल, यू गाइज लकी टू बी लिविंग इन देवभूमि। विजय बड़ोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आओ देवभूमि, आप अगबीच और चूनक रोटी और लोन रोटी खोला। दूसरा कमेंट से साक्षी बलोदी यो लिखियो जी, ये है स्कोस की सब्जी, सुयस यू आर सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आई रियली लाइक यू एंड योर फैमिली, यू गाइज आर ऑसम, आई वुड लव टू मीट यू, एक मीट एंड ग्रे कर लेना हमसे आपकी फैमिली के साथ, आप जब भी कोटद्वार आओ तो हमें बता देना, आप या तो हमारे घर आना या हम जहाँ पे आप बोलोगे वहाँ जाएंगे मिलने के लिए। मीट एंड ग्रेट मतलब एक जगह डिसाइड कर दिया फिर वहाँ पे जो जो आ सकता है वो आए और फिर मिलते हैं वहाँ पे, तब तो हमारे घर ही आ जाना। तो तीसरा है निधि जोशी का, इन्होंने लिखा है इसकोस इंग्लिश नेम चयोटे और साइंटिफिक नेम सिचियम इड्यूल, तो ये भी आज पता चला है कि एक साइंटिफिक नेम भी होता है इसका, बॉटनिकल नाम होगा इसका ना, तो ये भी काफी इन्फॉर्मेटिव कमेंट लगा मेरे को, ये वाला कमेंट मैंने सेलेक्ट किया था, पापा को बताया था कि ये वाला सही है, इसमें तीनों चीज दे रखी है।
इसके बाद है बिमला पटवाल, इन्होंने भी वही लिखा है कि चर्ट इज स्क्वैश। स्क्वैश ही बोलते हैं ना उसको, मतलब स्क्वैश बोलते नहीं है बट वो स्क्वैश की तरह प्रोनाउंस एक जैसा ही होता है, तो कुछ ऐसा होता है। उसी से स्क्वैश से स्क्वैश बना दिया उन्होंने। वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसलिए चुना है कि क्योंकि इन्होंने लिखा है इसमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और अब लास्ट कमेंट है संगीता डोभाल नवानी, इन्होंने लिखा है नमस्कार असवाल परिवार, कैसे हैं आप सब। यह सब्जी स्कोस की है, हमारे परिवार में सबको बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है या बनती है। अविनाश आपकी मम्मी ने जल्दी बना दी। ये अविनाश नहीं, ये सुयश है, और मेरे को लग रहा है इनको नेगी एंड फैमिली की वीडियो ज्यादा पसंद आती होंगी, इसलिए इन्होंने नेगी एंड फैमिली का जो मेन कैरेक्टर है अविनाश उनका नाम रख दिया। अविनाश को हम भी जानते हैं, इसलिए मुझे पता है कि अविनाश कहाँ से आया नाम। करेक्ट कर देना आप जाके वहाँ पे एडिट करके, स्विश कर देना उसे नेक्स्ट टाइम में, जरूर करेक्ट कर दे। नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी भी कर सकते हो जाके अपने कमेंट सेक्शन में, एडिट हो जाता है, एडिट हो जाता है। अभी और लिखा हुआ इन्होंने, मैं अब आपकी मम्मी के तरीके से बनाऊंगी, आप कहेंगे कि दिल्ली में कहाँ होती है यह सब्जी। बेटा जहाँ हम रहते हैं विनोद नगर, आधे से ज्यादा गढ़वाली है, जब वो लोग घर जाते हैं तब लाते हैं और हमें भी देते हैं। तो वाकई में जब हम नागदेवगढ़ी गए थे, नागदेवगढ़ी एक लेडीज देखी थी हमने, सिमलिया गाँव की थी, और वो बेचारी इतना बड़ा थैला, बहुत बड़ा थैला लेके आ रही थी। जब हमने पूछा था कि क्या ले जा रहे हो, तो बोले थे कि इसमें ककड़ी भी है और कद्दू है, स्कोस है, मतलब इतना बड़ा था कि हमें भी वो लग रहा था यार कैसे ले जा रही है। तो वाकई में जब लोग गांव से आते हैं तो मतलब इतना सामान हो जाता है कि जीप छोटी पड़ जाती है, उस समय जीप या बस जो भी है, तब बोलते हैं वो ये गाड़ी तो बहुत छोटी है, अबे छोटी कहां से, तुम्हारा सामान भी तो देखो। वो भी ऐसे नहीं ले जाते कि अपने लिए, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी रहते हैं सबको बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए काफल नहीं आए थे क्या, हमारे लिए जैसे हमने भी काफल आए वो सबको बांटे। गांव से तो आए थे, जिसने काफल का ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में होगा, गांव से ही आए थे काफल, फिर हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट किए थे यहाँ जितने भी हमारी कॉलोनी में और बाहर भी, जैसे पापा के दोस्त हैं उन सबको हमने बांटे थे। और एक उनका कमेंट इतनी बार आ गया, हर बार लगभग हर ब्लॉग में, हर ब्लॉग में आता है कि मेरा नाम लो आप अपने ब्लॉग में। तो ये है वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी अब आपका नाम ले लिया, आप हमेशा खुश रहो। तो वीरेंद्र जी जो भी होंगे जितने भी एज के मेरे को नहीं पता, आपका नाम ले लिया तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि आपका नाम दुनिया देखे। ये तो है, शेयर करना पड़ेगा भाई, अब आपको आपका भी ड्यूटी बनती है कि आप इसे अच्छे से शेयर करना। तो चलो अब तो सारे नाम ले लिए, जितने भी नाम लेने थे हो गए। कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सब बोल रहे थे कि भाई तुमने पिछले ब्लॉग में तुमने बोला है कि स्कोस की सब्जी खरीदी है उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो मैं यही चेक करना चाह रहा था कि आप लोग ध्यान से देखते हो कि नहीं देखते हो मेरे ब्लॉग, है ना, याद रहता है कि नहीं रहता, तो इससे मुझे पता चला कि हाँ चलो सब पूरा देखते हैं ब्लॉग, तो हाँ ढंग से देखते हैं, तो अच्छा लगा वो चीज देख के कि आप लोगों को पता है कि ये मैंने चीज बोली थी। और दो ब्लॉग में बोली थी ये भी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, दो भी कई ब्लॉग में बोल दिया, जो नागदेवगढ़ी का था मैंने लैंसडाउन वाले ब्लॉग में, और इससे पहले जो मैंने स्कूल वाला ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने बोला था। और एक और बात, जैसे आपने देखा होगा ब्लॉग, ये थोड़ा ब्लॉग मैंने रात को शूट किया था, थोड़ा डार्क डार्क सा लगा होगा आपको, बट अगर आपको अच्छा लगा है तो बढ़िया है, और अगर आपको लगा थोड़ा डार्क है, थोड़ा मतलब दिखने में थोड़ा मजा ज्यादा नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि थोड़ा लग रहा था डार्क, तो फिर मैं कभी नहीं बनाऊंगा फिर रात को, फिर मैं सुबह के टाइम ही शूट करूंगा ऐसे किचन वाला ब्लॉग, क्योंकि किचन में ऐसा होता है ना अंधेरा सा रहता है। और जो बाकी अभी जो नया चैनल में वो सब्सक्राइब करना है चैनल को, धीरे धीरे कंटेंट आता रहेगा ऐसे ही, स्पेशली पार्टी कंटेंट। तो फिर अभी मैं शेफ से मिला देता हूं, ठीक है बढ़िया। कैसी हो रही थी आपको, कैसी लगी अपने हाथ की बनाई हुई? मेरी हाथ की तो मेरे को तो अच्छी लगेगी, आप बताओ कैसी लगी आपको? मेरे को तो अच्छी लगी, मेरे को तो मेरी तो फेवरेट ही है, और आप बनाते हो तो फिर तो अच्छी लगती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।